विधायक गुरुचरण नायर पर हमले की घटना के बाद उनसे मिलने सोनवा जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के काफिले को पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस ने चक्रधरपुर में रोक दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस घटना के बाद पूर्व विधायक गुरुचरण नायक से मिलकर सांत्वना देने जा रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आगे जाने से रोक दिया, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और जिला प्रशासन और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकती है तो आम जनता को क्या सुरक्षा मुहैया होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्रधरपुर के आगे 5 प्रखंड में हेमंत सरकार नहीं बल्कि नक्सलियों की सरकार है। मंगलवार को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक एक फुटबॉल टूर्नामेंट के समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, जहां नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में पूर्व विधायक के 2 अंगरक्षकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई और उनके AK-47 छीन कर नक्सली फरार हो गए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। वहीं हेमंत सरकार इस बयान पर क्या पलटवार करती है।